सुबह चिल्ड्रन, आज रिवीजन के लिए चैप्टर बाल गोविंद भगत से कुछ क्वेश्चंस देते हैं। आप लोग बेटर होगा कि आप लोग लिख करके उसका आंसर प्रैक्टिस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर किन किन रूपों में प्रकट हुई है? मीन्स कैसे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा थी? बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की कौन कौन सी विशेषताएं थीं? ये वहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर में। उनकी गायन, उनका गायन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध थे। कैसे पता चलता है चैप्टर में ऐसे कौन सी घटनाएं हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक पुरानी परंपराओं को नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर और बाल गोविंद भगत के जीवन का तुलनात्मक वर्णन करो। मीन्स दोनों का कंपैरिजन करना है कि कबीर और बाल गोविंद भगत के जीवन में कौन कौन सी समानताएं और विषमताएं थीं। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, ये चैप्टर में है ही। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है, पाठ के आधार पर सिद्ध करो। 7, गर्मियों की शाम को बाल गोविंद भगत के घर का माहौल कैसा होता था, पाठ के आधार पर वर्णन करो। गर्मियों की शाम के समय उनके घर में कैसा माहौल बन जाता था, उसके बारे में। नंबर 8 है, पुत्र की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधु के लिए क्या निर्णय लिया। पुत्र वधु उनके निर्णय को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस है रिवीजन के लिए। जहां आपको आंसर में प्रॉब्लम हो वो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। और ये इस क्वेश्चंस का पिक्चर का क्वेश्चन का ये पिक्चर हम ग्रुप में डाल देते हैं। नमो शिवाय।